institutions number 3 promote communal harmony number 4 to make necessary recommendations to the government to uplift the minorities whatever share is given in all the development schemes wo haq dilane ka kaam jo hai minority commission ka hai hum jo hai yahan 3 saalon mein रिलीजियसली हमने काम किया है, ऑनेस्टी के साथ काम किया है, हजारों लोगों के आंसुओं को पोंछने का काम किया है और हमारा रफ कैलकुलेशन यह है कि कम से कम जो है 35-40,000 लोग हमारे पास आए, 5,500 लेटर्स हम गवर्नमेंट को लिखेंगे, डीसी को लेटर्स लिखे हैं, मिनिस्टर्स को लेटर लिखे हैं, चीफ मिनिस्टर को लेटर लिखे हैं और गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट हेड्स हैं उनको हमें लेटर लिखे हैं। जहां भी बेइंसाफी हुई है हम लोगों को इंसाफ दिलाने का काम किया है। हमारा जमीर कहता है कि कम से कम जो भी लोग हमारे पास आए 50% लोगों को हमारे से फायदा पहुंचा है, राहत मिली है। ये काम जो है पूरा इत्मीनान हमको मिला है हमारे काम से। तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमने कम्युनल हार्मनी के लिए प्रायोरिटी दी। आज जो है अमन नहीं है तो पहली बार माइनॉरिटी कमीशन अपने पावर को इस्तेमाल करते हुए जहां भी मैं गया पुलिस ऑफिसर्स की मीटिंग बुलाया मैं, वहां का डिस्ट्रिक्ट एसपी, एडिशनल एसपी, वहां के डीवाईएसपी, वहां के इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स और मैं एक तजुर्बेकार एक ऑफिसर हूं। मुझे कम्युनल हार्मनी अवार्ड मिला है, उनको 1 आवर की ट्रेनिंग दे रहा हूं मैं, जो एक साल में देने की ट्रेनिंग एक घंटे में दे रहा हूं। देखो ये इन बातों का ख्याल आप रखना चाहिए, जब ही अमन हो सके। अभी 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 जो है सब्र के साथ काम लेना चाहिए, अकलमंदी से काम लेना चाहिए, इमोशनली हमारे फैसले नहीं होना चाहिए, सब ठीक होगा। साहब डीजे हल्ली और केजे हल्ली के फसाद के बाद जो मुलजमीन आज भी जेलों में हैं इनके लिए आपका क्या इकदाम रहे, वो कैसे बाहर आना, 2 साल गुजर गए हैं, उनकी हालत, उनके घरों की हालत बहुत ख़राब है। सर हमारे पास एक UAPA एक्ट है, वो एक्ट के तहत जो है अगर आदमी को FIR में सेक्शन डाल दी गई तो वो उतना जल्दी आसानी के साथ आ नहीं सकता। क्या गवर्नमेंट को अपील जा नहीं सकता? इसलिए जो है बहुत सारे जमानत की अर्जियां जो हैं कोर्ट में पेंडिंग हैं, सुनवाई जारी है, तो कोर्ट इसके बारे में फैसला करना है। सर डोंट यू थिंक UAPA इज वेरी सिलेक्टिव बिकॉज़ भड़कालो आई मीन प्रोवोकिंग स्टेटमेंट्स आर गिवन। सर एक बात क्या है, पुलिस का भी एक सस्पिशन रहता है। कैसा डीजे हल्ली और केजे हल्ली में जो फसादात हुए उस फसादात के दौरान जो है ऑफेंस इतना ग्रीवियस था, अग्रेसिव था, पुलिस स्टेशन के अंदर घुसकर आग लगाई थी। कम से कम 25-30 मोटरसाइकिल्स कार्स को सब आग लगाए में आग लगाए। कानून में एक बात है, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस बोलो,
डेथ सेंटेंस कहाँ मिलती है बोले तो मामूली मर्डर मर्डर नहीं होना चाहिए, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर के ऐसा ऑफेंस इतना ग्रीवियस हम सुने ही नहीं लाइफ में बोल के। अब वहां पर क्या कैलकुलेट करें, अरे पुलिस स्टेशन के अंदर आके जो आग लगा रही है इससे बड़ा सीरियस ऑफेंस कौन सा होना चाहिए। पुलिस उनका सबूत दे रखी है, अभी जो है वो इनोसेंट है, बेकसूर है, ये कोर्ट के सामने है ना। वो सिलेक्टिव वो उनका सवाल इसलिए है सर, अभी हाल ही में जो है जो अग्निवीर का स्कीम लाई थी सेंट्रल गवर्नमेंट, उस वक्त जो है ना पुलिस स्टेशन रेलवे स्टेशन किसी चीज को नहीं छोड़ा था, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई, नहीं हुई। सब अजय कमीशन चेयरमैन तो मैं जेल गए थे, जेल विजिट कर रहे थे, वहाँ मुसलमानों का तादाद कैसे है? देखिए हम जो है 49 लाइफ कॉन्विक्ट्स को वहाँ जाकर मिलने के बाद में वी रोड टू द गवर्नमेंट प्री मेच्योर रिलीज के वास्ते रिकमेंडेशन करने के बाद में वो भी कंसिडर करके 49 मेंबर्स को रिलीज किया गया। कहाँ कैसे रह गए थे? यहाँ बेंगलोर के, बेंगलोर के। और आपको अच्छी तरह मालूम है कि परसों टुमकुर से आकर बोले साहब हर जुमा को जो है मैं जाते थे बयान देते थे, अब जो है स्टॉप कर डाली मुल्क। सर मोतबर जराए से मालूम हुआ है जेलों में मुसलमानों की तादाद ज्यादा है, जबकि आप कह रहे हैं पूरी रियासत का दौरा करके पुलिस से मैं कांटेक्ट में राबिते में हूँ करके, इसके बावजूद तादाद जेलों में बढ़ रही है। जो है टुमकुर का जो केस आया आपको, हमारे कहाँ पढ़ रहे थे वो नमाज सर? टुमकुर की जेल में जुमा की नमाज होती थी। जेल में, जेल के अंदर। तो यहाँ से एक हमारे इमाम साहब जो है जाकर खुतबा देकर जो है नमाज पढ़ाकर आते थे। अब मैं लेटर क्या लिखा, डीजी प्रिजन को लेटर लिखा, ये लोग जो है जस्ट रिलीजियस रिचुअल को अदा करने के लिए नहीं जा रहे थे, उनमें एक रिफॉर्म लाने के लिए जा रहे थे। इस्लाम के तालीमात क्या हैं, अमन के साथ कैसा रहना, जुर्म नहीं करना, ये सारे चीजों की हिदायत दी जा रही है। तो इसलिए तुम इनको फिर से अलाउ करना, कोविड बंद कर रहे थे तो तुम्हें जो है अलाउ करो बोल के हमें लेटर लिखे। ऐसे बहुत सारे मस्जिदों में मैं का ये करे हो क्या अलाउ किए, उनको इजाजत दिए परसों, जस्ट 3 डेज बैक भी हो गया, इजाजत बात भी कराया हूँ, बात भी कराया हूँ, इंशाल्लाह मैं करती हूँ बोल के बोले। सर एक सवाल ये है कि आप के दौर में अकलियतें इतने परेशानी से गुजरी हैं, क्या आपको अपने इस अहदे पर इत्मीनान हुआ है? मुझे देखो सर, मेरी जो कैपेसिटी है, जो पावर्स मुझे दिए हैं, मैं वही आज हमारी स्टाफ को भी बोल रहा था, 100% मुझे मेरे काम से इत्मीनान मुझे मिला है। मैं कुछ ना कुछ जो है गरीबों के दर्दमंदों के काम आया हूँ, ये मेरा ज़मीर कहता है। पुलिस में थे सुबह से शाम तक 10 बार मूड मेरा चेंज होता था, मगर कभी एक दिन भी यहाँ पर वो मूड चेंज नहीं, बड़ी इत्मीनान के साथ लोगों की आह को मैं सुनते और जो है उनका काम करा के दिया हूँ। और आज जो है ये माइनॉरिटी कमीशन एक जगह ऐसी है, इसके पावर्स को जो है कम लोग समझे थे, मैंने अच्छी तरह समझकर जो इसको इम्प्लीमेंट कराया हूँ और बहुत सारे लोगों को फायदा भी पहुँचा है। तो अब आप अब एक एग्जाम्पल आपको अगर बोलना बोले तो, ये एक लेडी हमारी सीधे स्कूल टीचर डम एंड डेफ में स्कूल टीचर, अब उसकी डेट ऑफ बर्थ थी 62, मिस्चिफ कोई करने वास्ते 1964 का एक टीसी उसके अंदर रख दिए। अब तक उसे जो है हेरासमेंट चल रहा था, तू जो है तेरी एज बढ़ाकर रिटायर होने को से कोशिश कर रही थी, तू पेंशन नहीं दे रहे थे, पुलिस को कंप्लेंट कर रही, मैं यहाँ पुलिस को बुला दिया हमारे, क्या तुम्हें लाक्ष इंडिया बोलता सूरगेट पुलिस स्टेशन वालों को, उन्हें बोला हमारे पास आया हमें वेरीफाई करे वो क्या भी रिकॉर्ड्स नहीं, बोले हमारे पास कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, बोल कल मैं जजमेंट पास कराया हूँ सर, अगर उन्हें 64 क्लेम करती तो रिटायर नहीं होती थी, 62 में रिटायर हो गए परसों, 60 साल हो गए 2022 में, तुम्हें अननेसेसरी वो पेपर कौन की लगा कर दे लिया बोल को, यू आर हैरेसिंग,
बोलकर जो है कल जजमेंट पास कराया हूं मैं। ऐसे बहुत सारे केसेस के अंदर जो है 95 केसेस गुलबर्गा के अंदर एनक्रोचमेंट के केसेस थे। मैं जाता हूं तो हमारे जफारी साहब के पास से जो एनक्रोचमेंट के पूरे पेपर्स लोग मैं डीसी के पास जा रहा हूं। डीसी जो है इमीडिएट डायरेक्शन दे रही पोजीशन जो बोल बहुत सारी जगह पोजीशन मिला है हावेरी में मिला है उन मैं जाकर बोल को आते उनको 6 एकड़ की 10 एकड़ जगह मिल गई। बहुत सारे डेवलपमेंट होने जा रहे थे अब तुम्हारे वर्क बोर्ड को जो है मुजरा डिपार्टमेंट में लाती करते उर्दू एकेडमी को जो है तुम्हारे खाना एंड कल्चर को आपस लग जाती करते बहुत सारी चीज़ आ रही वन बाई वन नहीं फिर भी जो है आपकी जितनी भी सताइश की जाए कम है ऐसी गवर्नमेंट में रहकर जो है पूरी कामयाबी के साथ जो है अल्लाह का फजल करना तो फिलहाल पॉलिटिक्स में नहीं जा रहे मुनीर साहब दूसरे मिस्टेक करो सालार रे सहारा ये दो बड़े आंख हमारे हमें वो मुकाम में रखो ये काम को फोड़ दिए ही ना ऐसा नहीं डाल करेंगे सर सबसे मुझे बहुत ही इत्मीनान बख्श काम बीमार जब आते थे हमारे पास उनको मैं प्रायोरिटी हमारे पास हॉस्पिटल का एडमिशन कैसा ना कैसा करके बोरिंग हॉस्पिटल विक्टोरिया हॉस्पिटल डायलिसिस फ्री डायलिसिस और जो चीफ मिनिस्टर का फंड और एक 4-5 केस के अंदर 4-4 लाख 5-5 लाख रुपये दिला दिया मैं प्राइम मिनिस्टर फंड में। मैं खुद सेक्रेटरी को बात करता हूँ उसके साथ साथ जो है बहुत सारे यहाँ पर फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री मियाँ बीवी की काउंसिलिंग करा दिया मैं कोर्ट भी चला दिया ऑफ द रिकॉर्ड मिला के भेज डालता हूँ सर 1 घंटा लेक्चर में रहता हूँ। नेक्स्ट ये काम हमें करें बच्चों को एडमिशन दिलाए हूँ फीस माफ कराया हूँ ये काम बहुत अच्छा हुआ है और बीमारों को जो है जब आदमी बीमार होता है एडमिशन नहीं मिलता पैसे नहीं रहता है किडवाए के डायरेक्टर से मेरे कॉन्टैक्ट तुम्हारा निमांस के डायरेक्टर से मेरे कॉन्टैक्ट और मुझे अच्छी तरह जानते मैं बोलते एडमिशन होता है सर बगदाद में था ना हाँ बोलो बगदाद से जो है कितने उनको जो है जाकर उन्हें चीट कर रख दिया था वहाँ से बुलाए उनको पकड़ा को पुलिस में कंप्लेंट देखो कोविड के ऊपर अजमेर से आदमियाँ लाने में हमें करे बड़गाम में सपड़ गए थे वहाँ आदमिया यहाँ लगा को जो मैं नहीं लेता तू नहीं लेता वो हमें चेक जो है कंट्रोल रूम ओपन करे 70 मेंबर्स को जो है हमारे तरफ से हमें जो है एडमिशन कराए हैं और उसके साथ क्या है बोले तो बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं आप दी रिकॉर्ड है मेरा फोन चलाया तो काम हो जाता सर डॉक्टर के पास जाता हूँ आई स्पेशलिस्ट है मुझे जरा आंख का प्रॉब्लम है बोलकर जाकर लेजर सर्जरी कराया साहब मेरे 40 लाख रुपए एक आदमी मान लिया सर डीजी यहाँ पर आए थे इंस्पेक्शन को ये आंखों के इलाज को नहीं हो सका था आप कुछ ना करो सर एक दिन बुलाए उन लगा 20 लाख रुपये आया सर ये सब काम हुए हैं सही बात है अच्छी बात है लेकिन जब सीरियस इश्यूज आए हैं तो कमीशन क्यों खामोश रहा सीरियस इश्यूज के बारे में सरकार को जो हमें लिखना है हमें काम भी फेल नहीं हुए कल का दिन हमारे ऊपर कोई भी ब्लेम नहीं करता वो मैं जानता हूँ हमारे सेक्रेटरी जानते हैं हमारे निसार जानते हैं वो हो ना हो जो हिदायत देना था वो हमें देखो छोड़ी सरकार हमें काम ही खामोश नहीं बैठे रिजर्वेशन नेवर केप्ट क्वाइट
रिजर्वेशन पर बहस हो रही है, रिजर्वेशन को निकालने की बातें कही जा रही हैं, इस पर भी आप सर रिजर्वेशन उम्मीद रखो कोई निकाल नहीं सकता, रिजर्वेशन बढ़ा सकते हैं मगर घटा नहीं सकते। आज हमारी तादाद भी ज्यादा है बन करे और हमारी इकोनॉमिक पोजीशन और क्या बढ़ गई, नहीं वो नहीं जाए वहां चाहिए हमें, किसी की बोलने से थोड़ी निकाल देंगे सर। जब भावनूर कमीशन रिपोर्ट आया कितने दिन उन्होंने इसके ऊपर मेहनत की, सर्वे की मालूम, हमें सब उस जमाने में जो है बिगिनिंग ऑफ सर्विस बीजेपी गवर्नमेंट में होता यह है कि कोई ना कोई बीजेपी एमएलए जो है लेटर लिखता है सीएम को, फिर कोई आवाज उठाता है और गवर्नमेंट जो है उसको डिस्कशन करती है और उसको फैसला करती है। रिसेंट एग्जाम्पल हमारे सामने है कि चंद महीने दो तीन महीने पहले एक एमपी ने लेटर लिखा और टीपू एक्सप्रेस का नाम बदल के ट्रेन रख दिया। अब एक एमएलए ने जो है जो हुबली का है उसने लिखा है कि मुसलमानों के क्रिश्चियंस के रिजर्वेशन को खत्म करो, कम करो और दीगर लोगों को दो। इस सिलसिले में आपका नाम का निकालना उसके बारे में ज्यादा बहस नहीं करता, नहीं लेटर्स के बारे में बता सुना, ये कॉन्स्टिट्यूशन है सर हमारा, रिजर्वेशन का जहाँ तक सवाल है ये कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, इसके बारे में रिजर्वेशन एक्ट है, ये फैसला जो है लेजिस्लेचर में लिया है, उसके बाद में पार्लियामेंट से उसका एंडार्समेंट जो है लेने के बाद में ही लागू किया गया है। ये क्या है पॉलिटिकल जिद्दाजिद्दी चल रही है। अब जो है थोड़ा मेरी ये एडवाइस ये है हमारी कम्युनिटी को, हमारे सामने जो है थोड़े दिन सब्र से काम, तुम्हें ईमान वाले कौन भी तुम्हारी जान निकाल नहीं सकता, फैसला करने वाला ऊपर है, परेशान मत हो सर, सब चीजें ठीक हो जाते हैं। कब तक सर सबर है? सबर जो है अभी बोलते हैं हमारे पास जुम्मा जुम्मा आठ हफ्ते नौ बोल को देखिए भाई वैसा परसों सुबह सबर हो उम्मीद रख अल्लाह से सब ठीक होता है, हिंदुस्तान में अमन रहता है, भाईचारगी रहती है, हम सब मिलकर जिंदगी गुजारेंगे। दूसरी गवर्नमेंट आने वाली है, मेरा कल स्टेटमेंट देख रही है ना, ओनली 2-5% मिनट साहब मिल गए, ओनली मेरी एक्सपीरियंस कहती है बिटवीन 2-5% जो है ये हमारे पास जो है एंटी सोशल एलिमेंट्स है। 95% मैं कल सर्टिफाई कर रहा हूं अवर कम्युनिटी पीपल आर लॉस अबाइडिंग सिटीजन। अब इनका सर एक आखिरी चीज सर, अभी जो आपने जो है इसमें दर्जनों तादाद में जो है आपने लेटर्स लिखे हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट की जानिब से जो है क्या रिस्पांस रहा, क्या कुछ रिएक्शन आया, रिप्लाई देखो आया? सर फॉर एग्जांपल तुम्हारा ओवरसीज स्कॉलरशिप बंद कर दिए थे, इट ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द माइनॉरिटीज कमीशन ओपन करे, उसके बाद में 100 यूनिवर्सिटीज सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज में जो नाम हमारा एडमिशन कर बोले थे सर, हमें शुरू से वो काम क्या क्या काम जो है हुए हैं आपके? देखिए सर हमारे पास फोर्स स्कॉलरशिप बंद कर दी गई थी, हमें सरकार को लिखे, चीफ मिनिस्टर को लिखे, उसके बाद में हिसाब से स्टार्ट करे और उनका कंडीशन क्या था बोले तो दुनिया के 100 मोस्ट रेप्यूटेड रिकॉग्नाइज्ड रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में तुम्हें हमारा दाखिला होना था, हमें बोले न्यूयॉर्क की यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना, बोले तो हमारा बच्चा गरीब बच्चा कहाँ जाके लेता, तुम्हें कितने पैसे दिए तुम्हें वहाँ 10,000 रुपये खर्च करना पड़ता है, तुम्हें 2,000 रुपये देते, हमारा कंडीशन क्या बोले तो एनीवेयर इन दी वर्ल्ड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी बोले तो बस, वो करने के बाद में फिर 500 यूनिवर्सिटीज को बढ़ाए, हमें फिर ये सवाल जो है इंशाल्लाह गवर्नमेंट के सामने लाना बोल करें। कितने स्टूडेंट का कोटा पास करे? 82 का, उसके बाद में एमफिल स्टूडेंट्स और तुम्हारा पीएचडी होल्डर्स उनको स्कॉलरशिप रोक दिए थे, हमारे इंटरवेंशन के बाद में उनको मिला, अब मिलने के बाद में और नया कानून क्या लाइन बोले तो देर एंटाइटल्ड ओनली फॉर 8,000 इन 10,000, पहले 25,000 25,000 देते थे, अब हमें फिर मैटर लिखे
क्या लिखे उनको, उन्होंने बोले यस सी एस टी के स्टूडेंट्स को ताज देरी बोल, हमें लेकिन तो एस सी एस टी स्टूडेंट्स को हॉस्टल फैसिलिटी है, दूसरे फैसिलिटीज है, ये बच्चे इनके पास तो फैसिलिटीज नहीं, ये तुम्हें चेंज करना बोलो अगेन वी रोड टू द गवर्नमेंट। और यहां तक के जो है ये तुम्हारा जहां भी 50% की पॉपुलेशन है मुसलमानों की, वहां पर मुस्लिम ऑफिसर्स को तैनात करना, वो भी गवर्नमेंट को ही हमें ये काम भी कसर बाकी नहीं रही, हमें फैसला करें, पूछना हमारा काम, रिकमेंडेशन करना हमारा काम, डिसीजन लेना सरकार के हाथ में है। एक बात ये सर, पूरे 4 साल गुजरे साहब उर्दू अकादमी, उर्दू अकादमी कॉन्स्टिट्यूट नहीं है, उर्दू अकादमी कॉन्स्टिट्यूट नहीं है, क्यों नहीं सर? आपने 4 मर्तबा जो है वादा किया था उर्दू अकादमी बनाएंगे बनाएंगे, अपने सीएम से बात की है, येदियुरप्पा जी से बात की है, येदियुरप्पा चले गए, अभी आराम भी कर रहे हैं, नया चीफ मिनिस्टर भी आया, लेकिन कोई इकदाम अभी तक नहीं हुई। उर्दू अकादमी इसी की इसी है, उर्दू अकादमी के ताल्लुक से जो सवाल उठाया है हमारे, उर्दू अकादमी की बिल्डिंग जो है परसों ऑक्यूपाई कर लिया है, बहुत बेहतरीन बिल्डिंग बनी नहीं, अकेडमी सर, अकेडमी और वही उसका कमेटी कॉन्स्टिट्यूट, मैं आ रहा हूँ सर। Can you expect me to answer your question in one single word? At least allow me to speak one sentence. Urdu Academy ki bahut achhi behtareen khoobsurat meeting office bani hui hai third floor mein, ek 3-4 din mein CM inaugurate kar rahe hain, wo occupy bhi kar liye hain, bahut sari achhi auditorium bani hai, iske baad mein jo hai aapko bahut kam rate ke andar mushaire ghazal program 24 ghante wahan bhi chalti hai, हमें खुद सुपरवाइज करी हूँ, मैं कितने बार गई वहाँ पर, नॉट लेस देन 1 dozen टाइम्स, वो चेयर बराबर नहीं, पुश बैग डालो, ये डालो, वो डालो। अब जो है बाकी क्या है बोले तो वो लिस्ट पेंडिंग है, इसी तरह बहुत सारे दूसरे चेयरमैनशिप की भी लिस्ट पेंडिंग है। सुनने में आया है कि 8 दिन के अंदर जो है एनी टाइम CM इज गोइंग टू टेक ए कॉल, वो भी फिलअप हुआ था सर,